घर से भागकर शादी की। नवविवाहित ने पुलिस एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी के समक्ष पेश होकर जान बचाने की लगाई गुहार। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दे तो शुक्रवार को करीब शाम 6 बजे नवविवाहित प्रेमी युगल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। किसी शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे इनकी मुलाकात एक प्यार के रूप में बदल गई और दोनों ने आर्य समाज में शादी कर ली। लेकिन वही लड़के ने बताया कि जो लड़की के पक्ष से लगातार उसको धमकियों दी जा रही है, उसकी जान को खतरा है, जिसके तहत आज दोनों नव विवाहित प्रेमी युवल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। याद कहाँ है? मार्गो साथ में रहते 5 साल हो गए। 5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। हमने दोनों ने हमारी सहमति से शादी कर ली है इस आर्य समाज में और कोर्ट में। इसी चक्कर में हम एसपी साहब के पास पेश होने आए थे कि अब हम हमारा जीवन जियेंगे, इसी चक्कर में कोई तीसरा हमारे बीच में इन्वॉल्व नहीं हो, उस हिसाब से हम एसपी साहब से हमारे सिक्योरिटी के तौर पर आए थे। कैसे मुलाकात हुई थी? हमारी शादी में मुलाकात हुई थी सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं दिल्ली के झूलेलाल मंदिर और ये लोंगिया मोहल्ला। इनका क्या नाम है? इनका हर्षिता तेजी। आपका? मेरा नाम गौरव लखन। किससे आपको कोई परेशान कर रहा है, किसी से डर है जिसको लेके? सर इसकी तरफ वालों से ही और कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं वो? वालों से बहुत परेशानी है, जान मान का खतरा बस। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम गौरव लखन। धमकी दे रहे हैं क्या वो? जी सर। आज क्या करना है? आज हम एसपी साहब के पास पेश होना है सर। ठीक है, हम आज एसपी साहब के पास पेश होना है। क्यों? हम लोगों ने शादी कर ली है, हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे इसीलिए, तो वो लोग धमकी दे रहे हैं हमें किसी रीजन से। आप कहाँ मिले थे, कितने साल पहले कहाँ से मुलाकात हुई थी? हम दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। हम लोगों की मुलाकात पहली बार शादी में हुई थी। कहाँ के रहने वाले हैं आप और ये कहाँ के रहने वाले? ये लोग झूलेलाल मंदिर दिल्ली गेट पे रहने वाले हैं, मैं लोंगे मोहल्ला के रहने वाले हूं। अच्छा, आपके घर वालों की तरफ से इनको खतरा है जान का है दोनों को? जी दोनों को। धमकियाँ दे रहे हैं? जी। ठीक है, अब मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। आपका नाम बताओ। हर्षिता तेजी।